अरे आते हैं आप लोग। तो हम लोग जा रहे हैं आज गोंदेश्वर डैम। आज सैटरडे था तो मैंने सोचा यार चलो कहीं जाते हैं, मजे करते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ गोंदेश्वर टेम्पल, जो कि है सिन्नर में, और मेरे घर से वो है 35 किलोमीटर या 31 किलोमीटर समथिंग। तो अभी तो मैं तैयार हो रहा हूँ, पर तैयार होने के बाद हम निकलेंगे। हम बाइक से जा रहे हैं तो पहले मैं दोस्तों को पिकअप करूँगा। हम दोस्तों के साथ जाएंगे एक गोंदेश्वर टेम्पल। सो लेट्स गो। गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया है और मेरा स्टार्टिंग का सिनेमैटिक जो भी था वो भी देख लिया है। सो हम आए हैं गोंदेश्वर टेम्पल। गोंदेश्वर टेम्पल के बारे में आपको मैं कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। गोंदेश्वर टेम्पल ये यादव डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तब बनाया गया था, और लगभग ये मंदिर 11th to 12th century में बनाया गया है ऐसे बताया जाता है, जो मैंने गूगल पे पढ़ा। गोंदेश्वर टेम्पल ये बहुत अच्छा उदाहरण है भूमिजा स्टाइल आर्किटेक्चर का। ये जो मंदिर है वो बहुत सिमिलर है अंबरनाथ शिव टेम्पल से, और आपने नीलकंठेश्वर टेम्पल सुना होगा जो कि उदयपुर में, वो भी शेयर करता है सिमिलर डिज़ाइन लाइक गोंदेश्वर टेम्पल। पहले मंदिर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, बट बाद में मुगलों ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। मंडप जिसके तीन तरफ बरामदे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मंदिर में नगारा स्टाइल का एक शिखर है जो अब प्रिजर्व नहीं किया जाता, और आप लोगों को जो वॉल्स दिख रही है वो सीन्स है रामायण से इंस्पायर्ड। सो रामायण के कुछ सीन्स है वहाँ। यह शिव के टेम्पल के साथ और चार मंदिर है जो कि है सूर्य, विष्णु, पार्वती एंड गणेश। गोंदेश्वर टेम्पल के साथ साथ ऐसे और बहुत सारे मंदिर है जो आजकल लोगों को पता नहीं है, जिनकी हिस्ट्री बहुत ही कमाल है और उनका आर्किटेक्चर तो उनसे भी ज़्यादा ही कमाल है। सो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कि हिस्ट्री से प्यार करते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी सैंक्शन किया है फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ सच मंदिर्स। अगर ये मंदिर अच्छे से रीडेवलप हो गया तो वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ये मेरा अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट वीडियो है आई नो, और आई होप आपको कुछ नया सुनने मिला होगा इस वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ है जो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में जो एक पार्ट दिखाया गया है मंदिर का, उसका ऊपर का पूरा जो शिखर कहते हैं वो तोड़ दिया गया था, पर उसके बाद भी जो उसका लुक है आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में।